हाय फ्रेंड्स, दोस्तों एवं परिवारजनों, आज लाइफ आने के पीछे ख़ास मकसद है और मकसद ये है कि अभी सबसे पहली चीज़ तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सारे पुलिस को, जितने भी स्टाफ लगे हैं इस COVID-19 के क्रिटिकल टाइम पे। स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, नहीं पूरे विश्व के लिए चैलेंज है। मैं अभी थाईलैंड में हूँ, यहाँ पर भी डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं और गवर्नमेंट पूरी जी जान से लगी है, तो सभी लोगों का धन्यवाद है। पहले तो जो लोग हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे यहाँ हैं इंडिया में, सबकी जो देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पुलिस वाले हैं, आर्मी है, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग, और स्पेशली धन्यवाद उनका करूँगा जो आज की इस विकट परिस्थिति में लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की डेट में बहुत सारी संस्थाओं का है और पुलिस वालों का है, जो इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर किसी आदमी के पास में खाना नहीं है या कोई भी ज़रूरत नहीं है तो वो लोग जो है उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी को तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन है इंडिया में, तो बहुत अच्छी पहल है जो करी है। दूसरी चीज़ मेन ये है कि अभी मैं फेसबुक पे मोस्टली देख रहा हूँ कि मतलब आप सेवा कीजिए, फ़ोटो मत डालिए, फ़ोटो मत लगाइए, तो मेरा कहना यही है कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ख़िलाफ़ है कि मतलब हमें जब हम दान देते हैं तो उसका पता नहीं चलना चाहिए। बट आज की जो स्थिति है और अभी जो लोग हो चुके हैं, बेसिकली क्या है, हम लोग वो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, काइंडनेस, दया, करुणा, ये सब चीज़ें हमारे अंदर से विलुप्त होती जा रही हैं, बहुत जगह पर विलुप्त हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपने आप में एक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं लोग, है ना, मेरे घर में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन अभी आज की डेट में हमें, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, मैं खुद अपने फेसबुक वॉल पर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों का, जितनों का भी जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं सबका ही शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्यों ज़रूरी है? जब हम इन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और ये लोग जो फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं या वीडियोज़ डाल रहे हैं सेवा करते हुए, दान करते हुए, तो ये कितने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। मैं अपने वीडियोस पे सीरियसली, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा जिनको मैंने कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, बट वो लोग भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। पर स्थिति अभी और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है, अभी तो फ़िलहाल वर्स है ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है मिडिल, फिर लोअर मिडिल, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कभी किसी से मांगने नहीं जा सकते, अगर कोई इनको ला के दे देगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये किसी को मांगने जाने वाले नहीं हैं। तो मेरा सबसे यही है कि पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रांति सब लोगों को निकाल देनी चाहिए कि भैया हमें जो है फ़ोटो शेयर नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है यार, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, और ये समय है, यही समय है, बाकी टाइम पे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी भी 3600 पोस्ट आती होंगी, पता नहीं कितने सारी चीज़ों पर आती होंगी, और उससे कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे अपने पर्सनल के लिए होता है। बट हाँ, अभी जो लोग कर रहे हैं वो सच में, मतलब मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग, जितने भी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्यों को सामने रखें, वो आगे 10 लोगों को और इम्पैक्ट करेंगे। बचपन में हम लोग क्या करते थे, हमारी माँ हमसे जब गाय आती थी या कोई भी ब्राह्मण आता था, कोई भी आता था, कई बार दरगाह के मौलवी भी आते थे जो मोर पंखी लेके आते, तो हमारी माँ हमसे डलवाती थी ना, उसमें हमें सिखाती थी कि कैसे करना है। अब अगर हम ये सोचें कि नहीं यार ये तो मतलब दिखावा है मेरी हमको जो है दिखावा सिखा रही है, तो वो चीज़ गलत है। और इसे एक्ट ऑफ काइंडनेस तो सब लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आगे लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, और ठीक है जिसके पास में जितनी सार्थकता है, समर्थता है, उतना करें, और जो जितना करेगा डेफिनेटली उसको उसका 10 गुना मिलेगा। और ये समय है कि हर एक आदमी सेफ रहे। तो दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अगर किसी के लिए सेवा करने के लिए जा रहा है, खाना बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जो है ध्यान रखे इस चीज़ का कि वो पुलिस वालों को पकड़ा दें, थाने चौकी में दे के आ जाए, उनको पहले कॉल कर लें कि सर कितने लोगों के लिए आपको चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बनिस्बत इस पर कि आप अपने आप निकल जाओ और रास्ते में जाके कहीं आप 10 लोगों के लिए और परेशानी डालो और डंडे भी पड़ सकते हैं है ना। तो कोशिश करो कि सही चैनल के थ्रू हर एक चीज़ हो जाए तो बेटर है, और बाकी सब ठीक है भाई, है ना, हम भी इधर सेफ़ हैं, आप लोग भी घर में सेफ़ रहिए और परिवार के साथ में हो,
तो अभी ये टाइम है अच्छे ढंग से बॉन्ड बढ़ाने का अपने घर वालों के साथ में, जिसके साथ भी आप कह रहे हो मियाँ बीवी अगर घर में फंस गए हो तो एक दूसरे को और अच्छे से समझो, है ना। तो अच्छा है बच्चों के साथ में टाइम पास करो, हर एक चीज़ करो जो नहीं कर पाए थे जब हम जॉब में रहते हुए। हमेशा मोस्टली बोलते थे ना कि भाई यार छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी नहीं होती है, परिवार के साथ में टाइम नहीं मिल रहा है। वो कई बार कोर्ट्स आते थे रोटी कमाने के लिए, जाते हैं रोटी साथ में खा नहीं पाते। अब तो तुम्हें पूरा मौका मिल गया भाई, खाओ रोटी अच्छे से, रोटी साथ में तोड़ो अच्छे से खाओ। चलो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय, जय हिंद।